दोस्तों, रॉकेट बॉयज के सीजन वन के एपिसोड वन में हम देखते हैं कि भारत और चीन के बीच 1962 का युद्ध चल रहा है। चाइना ने अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश के तवांग रीजन से इंडिया पर दो फ्रंट से हमला कर दिया है। खबर चल रही है कि जवाहरलाल नेहरू ने चाइनीज प्रीमियर झाओ इनलाई के दलाई लामा को वापस चाइना को लौटाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। दलाई लामा या तिब्बत की गवर्नमेंट इन एग्जाइल भारत में ही पनाह लिए हुए थी। एपिसोड की शुरुआत में भारत सरकार की बॉम्बे में स्थित डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सीन दिखाया जाता है। होमी जहांगीर भाभा अपनी कार से यहाँ पहुंचते हैं। इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते वो बाकी सदस्यों के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने यहाँ आए हुए हैं। उन्होंने भारत का पहला एटम बॉम्ब बनाने का प्रपोजल तैयार किया हुआ है, लेकिन भारत सरकार इस ओर कदम बढ़ाए इसके लिए जरूरी है कि इस कमेटी के सारे सदस्यों की रजामंदी हो। इसलिए होमी को इस प्रपोजल में उन सबों के साइन चाहिए। यह प्रपोजल होमी भाभा ने बिना किसी के सलाह मशवरा के खुद ही तैयार कर लिया था। अब उनको इस प्रपोजल को आगे बढ़ाने के लिए बाकी लोगों का भी साथ चाहिए, लेकिन कई मेंबर्स इस प्रपोजल पर आपत्ति जताते हैं। जैसे एक मेंबर जिनका नाम रजा मेहदी होता है, वो कहते हैं कि एटम बॉम्ब बनाने में तो 5 से 6 साल का वक्त लग जाएगा, तब तक चाइना क्या कुछ नहीं कर बैठेगा। पर होमी रजा को समझाते हुए कहते हैं कि ये बात बस उन्हें पता है कि भारत को एटम बॉम्ब बनाने में इतने साल लग जाएंगे। एटलीस्ट अगर चाइना या भारत के दुश्मनों तक यह खबर पहुंच जाए कि भारत एटम बॉम्ब बना रहा है, तो कोई भी उन पर हमला करने से पहले हजार बार सोचेगा। इस कमेटी में एक और खास मेंबर है, विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई एक आदर्शपूर्ण व्यक्ति थे। उनके मुताबिक किसी भी मसले को डिप्लोमेसी के जरिए शांतिपूर्वक दायरे में रहकर ही सुलझाना चाहिए। वो होमी भाभा के इस प्रपोजल को अपोज करते हैं। वो नहीं चाहते कि तबाही हो। इसके अलावा अगर सुपर पावर्स जैसे यूएसए या यूके को उनके इस प्लान के बारे में पता चल गया तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इस कमेटी के एक और मेंबर हैं जिनका नाम है डॉक्टर विश्वास माथुर। वो सारा भाई को मनाने की कोशिश करते हैं, पर सारा भाई फिर भी नहीं मानते। 1945 में जापान में यूएसए के द्वारा गिराए गए एटम बॉम्ब का उदाहरण देते हुए वो कहते हैं कि हिरोशिमा की बॉम्बिंग ने क्या कम तबाही मचाई थी, जो वे लोग फिर से एक और तबाही की तैयारी कर रहे हैं। परेशान होकर सारा भाई कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उनके पीछे पीछे भाभा भी हो लेते हैं, पर सारा भाई को मनाने की उनकी सारी कोशिश व्यर्थ हो जाती है और वो उनको भगौड़ा कहते हैं, जो अपनी टीम को जब उसको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है तब छोड़कर जा रहे हैं। सीरीज 22 साल पहले 1940 में चली जाती है। हमें ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां विक्रम साराभाई अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। यहां हमें विक्रम साराभाई के क्यूरियस माइंड को एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। साराभाई अमेरिकन फिजिसिस्ट रॉबर्ट गोडार्ड के एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट कर रहे हैं। उन्होंने कॉलेज में खुद का एक रॉकेट बनाया होता है, जिसे वो उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कलीग बड़ी उत्सुकता से उनके इस एक्सपेरिमेंट को देख रहे हैं, लेकिन उनका रॉकेट कुछ देर तो ऊपर जाता है, फिर क्रैश हो जाता है। अपने इस फेल्ड एक्सपेरिमेंट से वो हताश नहीं होते, बल्कि एक और कोशिश करने के लिए बेकरार रहते हैं। वो आसमान में जर्मन बॉम्बर्स को देखते हैं। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। ब्रिटेन भी इस युद्ध में कूद चुका था। वॉर के दौरान यहाँ स्थिति बिगड़ सकती है, इसलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़कर वापस भारत आने का फैसला करते हैं। इसी दौरान होमी भाभा भी वापस भारत लौट चुके थे। भारत में उन्होंने कलकत्ता के कलकत्ता कॉलेज ऑफ साइंस में एज अ प्रोफेसर पढ़ाना शुरू किया था। क्लास में वो हमारे सौर मंडल के बाहर से आ रही कॉस्मिक रेस को डिटेक्ट करने के लिए विलियम क्लाउड चेंबर का प्रदर्शन कर रहे हैं। तभी वहाँ इस रिसर्च फैसिलिटी के संस्थापक रजा मेहंदी आ जाते हैं। उनको भाभा के पढ़ाने का तरीका पसंद नहीं आता है। इस बात पर वो उनको टोकते हैं। उनकी इस बात पर भाभा यह कॉलेज छोड़ने की बात करते हैं, पर रजा कहते हैं कि उन दोनों का मकसद एक ही है, अपने काम और रिसर्च के जरिए इस देश को और मजबूत बनाना। उनके इस बात पर भाभा उनको व्यंग भरे स्वर में कहते हैं कि इस कॉलेज को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान मुस्लिम लीग ने ही दिया है, और अगर फ्यूचर में मुस्लिम लीग की अलग देश बनाने की डिमांड पूरी हो जाती है तो फिर रजा अपनी वफादारी किस देश की ओर रखेंगे। सारा भाई वापस अपने घर अहमदाबाद आ चुके हैं।
हम देखते हैं कि रेडियो में मोहम्मद अली जिन्ना अपने टू नेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हिंदू और मुसलमान एक ही मुल्क में रहेंगे तो हिंदुस्तान बर्बाद हो जाएगा। सारा भाई का यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, वो अपने कॉलेज के बेहतरीन प्रोफेसर्स और वहाँ के माहौल को मिस कर रहे हैं। तभी उनके पिताजी उनको IISc बैंगलोर से डॉक्टर सीवी रमन की ओर से आए इंटरव्यू कॉल लेटर उनको देते हैं। उनके पिताजी ने चुपके से विक्रम साराभाई के रिसर्च पेपर्स डॉक्टर सीवी रमन को भेज दिया था। उनका रिसर्च पेपर देखकर डॉक्टर सीवी रमन ने उनको ISC बेंगलोर के कॉस्मिक रे यूनिट में रिसर्च करने के लिए इंटरव्यू के लिए बुला लिया था। वो अपना इंटरव्यू देने ISC बेंगलोर पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर उनकी मुलाकात डॉक्टर रमन से होती है। डॉक्टर रमन सारा भाई को इंटरव्यू के लिए कॉस्मिक रे यूनिट ले जाते हैं। इस यूनिट की स्थापना होमी भाभा ने ही किया था। यह भारत की मोस्ट एडवांस्ड कॉस्मिक रे यूनिट थी। डॉक्टर रमन उनकी मुलाकात भाभा से करवाते हैं। भाभा यहाँ अपने एक्सपेरिमेंट्स में बिजी थे। उनके इक्विपमेंट्स देखकर सारा भाई समझ जाते हैं कि भाभा अपर स्ट्रेटोस्फीयर में कॉस्मिक रेस को स्टडी करने के लिए मिलिकन के बलून एक्सपेरिमेंट रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। भाभा कलकत्ता कॉलेज ऑफ साइंस छोड़कर ISC आ चुके थे। रजा का कॉलेज वेल फंडेड था, वहाँ एक्सपेरिमेंट्स के लिए फैसिलिटीज और इक्विपमेंट्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन यहाँ के इक्विपमेंट्स पुराने और खराब हो चुके थे। इस बात पर भाभा परेशान हो जाते हैं। साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से इस देश में बाहर के देशों से रबर नहीं पहुंच पा रहा था, जो उनके इस एक्सपेरिमेंट के लिए अहम था। वो भारत को आत्मनिर्भर बनने पर जोर देते हैं, क्योंकि बाहर से सामान आयात करने से कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से पूरे देश में चीजों की सप्लाई गड़बड़ा जाती है। भाभा को परेशान देख सारा भाई उनको रबर की जगह पॉली इथाइलिन शीट यूज करने बोलते हैं, क्योंकि एक तो पॉली इथाइलिन रबर से हल्का होता है और उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होती है। पर भाभा उनको बताते हैं कि जमीन से 50 किलोमीटर ऊपर तापमान -70 डिग्री सेल्सियस के करीब होगा, जिससे पॉली इथाइलिन कठोर होकर टूट जाएगा और उनका सारा डेटा लॉस्ट हो जाएगा। सारा भाई के सजेशन से भाभा इम्प्रेस हो जाते हैं। भले ही उन्होंने उन्हें गलत सुझाव दिया, लेकिन कम से कम उन्होंने उनकी परेशानी हल करने की कोशिश तो की। सारा भाई को इस कॉलेज में दाखिला मिल जाता है। वो होमी भाभा के साथ काम में जुट जाते हैं। वो घंटों भाभा के साथ एक्सपेरिमेंट करने में बिजी रहते और जब भी उनको फ्री टाइम मिलता तब वो अपने वर्कशॉप में जाकर मिसाइल्स पर काम करते। वो भाभा से अत्यधिक प्रभावित थे। अपने फील्ड में एक्सपर्ट होने के साथ साथ वो आर्ट, म्यूजिक, लिटरेचर, थिएटर सभी क्षेत्र में माहिर थे। पिछले 6 महीने में उनको अपने एक्सपेरिमेंट में 20 बार फेलियर मिल चुकी थी, लेकिन फिर भी वे लोग मिलिकन के बलून एक्सपेरिमेंट को करने में लगे पड़े थे। काफी कोशिशों के बाद फाइनली वे लोग अपने बलून को आसमान में छोड़ने में सफल हो जाते हैं। अब वे कॉस्मिक रेस पर और अच्छे से रिसर्च कर पाएंगे। साल है 1942। विक्रम साराभाई की बहन मृदुला उनसे मिलने उनके कॉलेज आती हैं। आपको बता दूं कि मृदुला साराभाई ने भारत की आज़ादी में गांधी जी के साथ मिलकर अपना बहुत योगदान दिया था। हम देखते हैं कि वो अगले ही सुबह यहाँ से बापू की रैली में शामिल होने के लिए मुंबई निकलने वाली हैं। वो विक्रम को भी अपने साथ मुंबई चलने बोलती है। इस बात की परमिशन लेने वो भाभा के पास जाते हैं। सारा भाई के आते ही वो उनको बताते हैं कि आज रात कॉलेज में ब्रिटिश जनरल क्रेंशॉ के सम्मान में डिनर रखा गया है। यह सुनकर सारा भाई आपत्ति जताते हैं कि एक ओर बापू पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे हैं और जनता जागरूक हो रही है, ऐसे में किसी अंग्रेज के सम्मान में डिनर रखना सही नहीं होगा। भाभा को बताते हैं कि क्रेंशॉ इस कॉलेज के सबसे बड़े डोनर हैं और उनके प्रति निष्ठा दिखाने के लिए ये सब जरूरी है। भाभा सारा भाई को मुंबई जाने के लिए भी मना करते हैं, क्योंकि यहाँ रहकर वो अपने देश के लिए ज्यादा बड़ा योगदान दे सकते हैं। वो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट हैं और जो उस लाखों की भीड़ में कोई नहीं कर सकता वो विक्रम सारा भाई कर सकते हैं। शाम को पार्टी शुरू होती है। डॉक्टर रमन सारा भाई का इंट्रोडक्शन विलियम क्रेंशॉ और उनके पिता इवन क्रेंशॉ से कराते हैं और बताते हैं कि वो उनके कॉलेज के ब्रिलियंट माइंड्स में से एक हैं।
विलियम अपने द्वारा इस कॉलेज के लिए दिए जाने वाले डोनेशन पर ताव झाड़ता है कि उनकी वजह से IISc में रिसर्च फैसिलिटी इतनी बेहतर हो पाई। फिर सारा भाई वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर रमन क्रेनशॉ को कॉलेज के कॉस्मिक रे यूनिट के बारे में बताते हैं, पर क्रेनशॉ मजाक उड़ाते हुए उनकी बात काट देता है। उस पार्टी में मौजूद सभी लोगों के बीच वो लगातार उनका मजाक उड़ाते जाता है। इधर होमी भाभा की मुलाकात पिप्सी से होती है। वो बताती है कि वो क्रेनशॉ की फियांसे है। कुछ देर बाद वो भाभा की बोरिंग बातें सुनकर वहां से उठकर चली जाती है। भाभा का फ्रेंड आकर उनको बताते हैं कि पिप्सी को इम्प्रेस करना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि वो एक लॉयर है। क्रेनशॉ लगातार देश के महाराजाओं का, यहाँ के लोगों का मजाक उड़ाए जा रहा था। वो डींग हांक रहा था कि अंग्रेजों ने इस देश को क्या कुछ नहीं दिया, और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे ही वो बातें करते करते वेटर से टकरा जाता है और उल्टा वेटर को ही गाली देने लगता है। पिप्सी वहां पहुंचकर मामला शांत करती है। भाभा भी कई देर से क्रेनशॉ की हरकतें देख रहे हैं। सारा भाई के उकसाने पर वो क्रेनशॉ के पास जाते हैं और कहते हैं कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में भारत और अन्य कॉमनवेल्थ देशों के सैनिकों की वजह से ही ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर में टिका हुआ है। ब्रिटेन जो कुछ भी है वो उसने इस देश को लूट कर और यहाँ के लोगों को एक्सप्लॉइट करके ही कमाया है। इस देश से निकल जाने के बाद बिना टैलेंट के वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। इसके बाद वो क्रेनशॉ के सामने ही पिप्सी का हाथ चूम लेते हैं। इतना सब सुनकर और देखकर क्रेनशॉ से रहा नहीं जाता और वो भाभा को जोरदार घूसा मार देता है। पार्टी के बाद भाभा और सारा भाई एक साथ बैठे होते हैं और इवेंट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर हंसी मजाक करते हैं। दोनों के बीच दोस्ती गहरी होती जाती है। भाभा उनको सर ना बोलकर उनको नाम से बुलाने के लिए बोलते हैं। अगले दिन कॉलेज में फेलिसिटेशन है और उसकी तैयारी अभी बाकी है। भाभा और सारा भाई ने अंग्रेजों के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट किया है ये हम अगले एपिसोड में देखेंगे। तब तक इस चैनल के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा।